आखिर अदनान बिग बॉस में एंट्री कर चुके हैं, जहां अब अदनान और नेजी दोनों मिलकर विशाल की बातें कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्लिक्स इंपैक्ट पर। अदनान ने नेजी को बोला है कि मैं ये सोच कर आया था कि मैं फुल सपोर्ट करूंगा विशाल का, बट जो स्टेज पर हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जब स्टेज पर कटारिया से पूछा गया कि इसको जानते हो, तब कटारिया बोलता है हाँ, मैं इसकी 3 सेकंड की वीडियो देख कर स्किप कर देता हूँ, जिस पर विशाल बहुत ज्यादा हंसता है और अदनान को बोलता है शायद उसको तेरी वो वीडियो पसंद नहीं आई होगी। तब अदनान नेजी को बोलता है अगर कोई दोस्त होता है ये सब नहीं करता है, जबकि कटारिया तो बस एल्विश का मैनेजर बने ही फिरता रहता है। अदनान बोलता है कि विशाल ने सीरियसली स्टेज पर हक दिया था। भाई साहब, ये तो सीरियसली तमाशा ही होने वाला है। अब अगली जगह जहां अदनान ने विशाल का सपोर्ट किया था, जब फ्लावर इकट्ठा करने वाली गेम चल रही थी, तब साई केतन अपना साइड में अलग से जमा कर रहे थे फूलों को, बट विशाल बीच में घुसकर उनके जमा किए फूलों को चुराने लगे, जहां साई ने विशाल को बहुत सारी गालियां दी, जिस पे विशाल भी भड़क जाते हैं और साई को गालियां देने लग जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में तगड़ी वाली लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। अब जहां अदनान विशाल और साई के बीच में आ जाते हैं और दोनों को रोकने में लग जाते हैं कि एटलीस्ट दूर होके लड़ो, यहाँ किसी को भी हाथापाई नहीं करनी है। भाई साहब, ये अरमान ने जब से विशाल को थप्पड़ मारा है ना, तब से बिग बॉस हाउस में सबके हाथ प्रॉपरली खुल चुके हैं, यहाँ कोई भी एक दूसरे को पेल कर चले जाता है। अब साई और कटारिया की भी बात ले लेते हैं। अब इनके बीच हुई थी बहुत गंदी वाली लड़ाई, जहाँ इनके बीच थोड़ी धक्का मुक्की हो गई थी। तब कटारिया ने साई को बोला था कि साई हो सके तो मुझे माफ कर देना। तब साई बोलता है भाई मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, एटलीस्ट सॉरी तो सही से बोल सकता है ना। अब अरमान मलिक ने साई को समझाया था कि अगर देख कोई माफ कर देता है ना, वो बड़ा होता है, वो गलती करने वाले से ज्यादा बड़ा माफी देने वाला होता है, कर दे माफ उसको। बहुत समझाया साई को अरमान मलिक ने, अब तू उसे माफ कर दे। साई बोलता है अरमान को उसको मैनर्स नहीं है भाई, उसको सॉरी तक बोलना नहीं आता है, अगर वो वेल मैनर्स के साथ सॉरी नहीं बोल पाता तो वो किस मुंह से सॉरी मांगने का हकदार है, तब मैं सोचूंगा जब वो लिटरली माफी मांगने के लिए आएगा। लिटरली बिग बॉस में एक ये युद्ध का मैदान बन चुका है पूरी तरह से। अरमान ने भी सना मकबूल के साथ झगड़ा कर लिया था, अलग ही सीन चल रहा है वहाँ, रोटी के लिए लड़ाई होती है, विशाल के साथ रोटी के लिए लड़ाई कर लेते हैं, छोले के लिए लड़ाई कर लेते हैं, रोटी कच्ची है इस बात पे अरमान मलिक नेजी से लड़ लेते हैं, यहाँ बस लड़ाइयाँ ही चल रही है। सीरियसली मेरे को समझ नहीं आता बिग बॉस हाउस पूरा पागल कैसे हो चुका है। जैसे ही अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा ना, उसके बाद से सारे ऐसे पागल हो चुके हैं कि मतलब अब सबके हाथ में पावर आ चुकी है कि कोई भी एक दूसरे को मार सकता है और कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि जेन्युइनली अनिल कपूर ने अरमान मलिक को इतनी खास सुनाई नहीं थी इस बारे में, बस वो विशाल के पीछे पड़ गए थे, उन्हें एक टारगेट बना लिया था जिनसे उनकी बिग बॉस की टीआरपी बढ़ती जाए। सीरियसली बस इतना ही आज के लिए, क्योंकि ये तमाशे कभी खत्म नहीं होंगे और आप कभी बोर नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले तमाशे में, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू।